सो नमस्कार सुबह, आज के वीडियो में आपके पास फिर से आए हैं हम अपना एक सीआरटी टीवी लेकर टेलीविस्टा कंपनी का। तो आज देखेंगे इसमें क्या समस्या है। वैसे तो मैंने इसमें पावर लगाया लेकिन पावर आ ही नहीं रही है, तो चलिए इसको सही करते हैं। और सही करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर, उससे पहले मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसका प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कंपनी आप देख सकते हैं, ये टेलीविस्टा, शायद हमने इसको कुछ दिन पहले बनाई थी इस टीवी को। तो यहाँ से हम इसको पावर में लगाते हैं, तो ये पावर में लगाने के बाद भी अपना सीरीज वाला बल्ब ज़रा सा ग्लो नहीं करता, इसका मतलब कि इसमें पावर जा ही नहीं रहा है। यहाँ से इसका पावर ऑन ऑफ करके देखते हैं तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें पावर जा ही नहीं रहा है। तो आइए खोल के देखते हैं आखिर इसमें ऐसी क्या समस्या है और इसको कैसे चेक करेंगे आप सब बारीकी से। बारीकी से क्या मतलब, कहाँ कहाँ से चेक किया जाता है सभी समस्या को, ठीक है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए, कोई भी टीवी हो तो उसका चेक करते हैं पावर सप्लाई सेक्शन भाग। तो पहले तो हम कैसे चेक करेंगे आप सब ये देखिए, और कहाँ से चेक करना स्टार्ट किया जाता है, कैसे सब चेक होता है, कैसे मालूम होगा कि यही ख़राब है, तो सब जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको जो बताएंगे रियलिटी बताते हैं, झूठ बोलने वाला काम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बनेगी तो बनेगी, नहीं बनेगी तो वो भी सामने आपके आ जाएगा बिल्कुल। ये नहीं है कि हम आपको कुछ छिपा के करते हैं काम, बिल्कुल सामने, ठीक है। हाँ, यही होता है कि अगर वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा रोक देते हैं, वो भी आपसे पूछकर मतलब बता कर कि वीडियो रोका गया है, ठीक है। तो इसको हम फटाफट से ओपन कर लेते हैं और आगे की बात करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, तो फटाफट से इसको ओपन करते हैं। एक स्क्रू शायद इसके नीचे है भी, और ठीक है, ये ओपन हो चुका है इसकी बॉडी, बस पीछे खींच लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमने खींच लिया इसको पीछे साइड से, और काफ़ी गंदी है, थोड़ा सा मशीन मार देते हैं ताकि ये साफ हो जाए। और आपके पास अगर मशीन नहीं है तो आप एक काम करिएगा, सीधा सिंपल सा ब्रश यूज करिए, नॉर्मल पेंट करने वाला, जब मेरे पास भी मशीन नहीं था तो मैं भी उसी ब्रश की सहायता से साफ किया करता था। तो ठीक है, ये टीवी अपनी रही, और थोड़ा सा कैमरा और लो करते हैं, ओके। शायद इसको हमने कुछ दिन पहले बनाई थी तो फॉल्ट बहुत छोटा सा है, वैसे तो दिख गया है फटा हुआ कुछ मिला है, लेकिन आप कैसे चेक करेंगे, अगर नहीं दिखता है तो कैसे मालूम करेंगे वो बता देता हूँ मैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये अपना एनटीसी फटा हुआ यहाँ पे मिला हुआ, देखिए यहाँ पर ये फट चुका है बिल्कुल, ये देखिए टूट रहा है बिल्कुल। तो ठीक है, चलिए इसको हम सही करते हैं। हालांकि अगर पता नहीं होगा आपको कैसे चेक करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले सभी जैक को निकाल लीजिएगा। मेरे में तो यहाँ फटा दिख गया है इसलिए मैं पकड़ लिया, लेकिन आप में हो सकता है फटा न मिले, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि टीवी को इस तरह कर दीजिए, और करने के बाद इसको लगा दीजिए पावर में, सीरीज में, सीरीज में इसको दे दीजिए पावर। तो इसको हमने यहाँ पर दिया सीरीज में पावर, ओके। और बाकी एक बिना मल्टीमीटर के, मल्टीमीटर से चेक करूँ या बिना मल्टीमीटर के, तो दोनों तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए मल्टीमीटर नहीं आपके पास, तो सिंपल सा रास्ता, एक बल्ब लीजिए इस तरह से, उसमें वायर जोड़ लीजिए। वायर जोड़ने के बाद सबसे पहले जो मेन वायर आई हुई है उस पर इस पर लगाइए, पावर आ रही है तो ये बल्ब जलेगा, ठीक है। सीरीज में है इसलिए तेज जल के डाउन हो चुका है। और उसके बाद मेन चले जाइए अपने मेन फिल्टर पर, यहाँ तक अगर सप्लाई आ रही है तो ये बल्ब जलने लगेगा, नहीं जल रहा है इसका मतलब यहाँ तक ये नहीं आ रहा है सप्लाई, ठीक है। मेन फिल्टर यही है, तो एसी बल्ब लगा के चेक करें तो माइनस प्लस आपको नहीं देखना है, जहाँ जैसे लगाएंगे जलेगा ही जलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम आते हैं, इसके बाद लगा हुआ है यहाँ पर कहीं फ्यूज लगा होगा, तो ये वायर है और यहाँ पे ये फ्यूज है अपना, ये फ्यूज है, तो इसका मतलब ये कॉमन हुआ, ये फ्यूज हुआ, तो यहाँ पर ये सप्लाई नहीं आ रही है क्या, यहाँ पर आई और यहाँ पर ये नहीं आ रही है, देखिए ये मतलब इसका फ्यूज ख़राब है, ये देखिए ये फ्यूज ख़राब है, इस तरफ नहीं आई। तो पावर निकाल के एक बार इसमें हम एक नया फ्यूज लगा देते हैं, फ्यूज कट गया है, मतलब हीटिंग से काफ़ी ज़्यादा कट चुका है ये,
कटा में तो लग नहीं रहा है कटा है, लेकिन ये है ख़राब। मल्टीमीटर से मैं चेक कराता हूँ आपको। ये मल्टीमीटर है, कंटिन्यूटी रेंज पे रखा मैंने, ठीक है। ये देखिए ख़राब है ना, ओके। ये देखिए इस तरह से ये अपना फ्यूज ख़राब है। तो यहाँ पर 5 एम्पियर का एक फ्यूज लगाएंगे हम। तो फ्यूज नहीं है तो उसका भी रास्ता है, तो एक ये पतला सा वायर लीजिए, इसमें से इस पट्टा वायर का आधा वायर लीजिए, फ्यूज का काम करेगा बिल्कुल ये, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे जम्पर कर देता हूँ, और इतना मोटा भी ना लगा दीजिए कि ये कभी उड़े ना, ऐसा लगाइए कि लोड पड़ने पर ये उड़ जाए, ठीक है। तो इसलिए पतला पट्टा वायर का मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि काफ़ी पतले और बारीक वायर होते हैं, ये उड़ जाते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लगा दिया इसका फ्यूज, और फ्यूज लगाने के बाद आगे चलते हैं। तो ठीक है, लगा दिया, कोई रिस्पॉन्स अभी नहीं आया है टीवी से, क्योंकि एनटीसी भी तो ख़राब है। और इसके बाद अब हम यहाँ पे चेक करते हैं इसकी डीटी पर, ठीक है। ये सप्लाई आ चुकी है यहाँ पर, इस तरफ से इस तरफ आ चुकी है। उसके बाद ये डीटी पड़ेगी इस तरफ बाहर सप्लाई को, यहाँ से यहाँ तक, ओके। दोनों न्यूट्रल फेस दोनों होते हुए आएंगे, मतलब फिल्टर होते हुए एक तरह से। और उसके बाद अब यहाँ पर ये अपने लग गए डायोड। डायोड लगने के बाद यहाँ पर लगा दिया इन्होंने अपना एनटीसी, ठीक है। यहाँ पर ये लगाया एनटीसी, तो ये करते हैं कॉमन और ये करते हैं मेन, और उसके बाद इस तरफ एनटीसी। यहाँ पर भी ये सप्लाई नहीं आई है, तो यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एनटीसी लगा देंगे, क्योंकि ये लोड पड़ने पर ख़राब होता है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, अगर इमरजेंसी है तो डायरेक्ट कर सकते हैं पतले से वायर से फ्यूज की तरह ही, ठीक है। इसका होल क्लियर करते हैं हम लोग। तो क्लियर करने के लिए अपना ये मैं देसी तरीका डिसोल्डिंग वायर का, देख सकते हैं पट्टा वायर मैं अधिकतर यूज करता हूँ, समझ लीजिए एक तरह से मैं डिस्टोल्ड वायर ख़रीदता भी नहीं हूँ, इसी से अपना काम चल जाता है। तो एनटीसी अपना मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक पुरानी किट पड़ी हुई है, इसमें से मैं निकाल रहा हूँ इस एनटीसी को, ठीक है। ये हमने निकाल लिया है, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। लगाने के बाद देखते हैं टीवी ऑन होती है या नहीं। वैसे तो फ्यूज ख़राब हुआ है, इससे थोड़ा सा कम चांस मुझे लग रहा है कि टीवी ऑन हो जानी चाहिए, क्योंकि फ्यूज तभी ख़राब होता है जब लोड पड़ता है। वैसे कटा नहीं है पूरी बिल्कुल बुरी तरह से, नॉर्मल हीट होकर जो है कि गया है। और यहाँ पर लगा रहे हैं तो ये अपना सीरीज वाला बल्ब ऑन हो चुका है, ये देखिए सीरीज वाला बल्ब जल चुका है, बिल्कुल फुल शॉर्टिंग पर है। अभी अगर लगाएंगे तो ये फ्यूज अपना कट जाएगा, ठीक है। तो अब आगे हम चेक करेंगे, सबसे पहले तो कंटिन्यूटी रेंज की ज़रूरत है। अगर आपके पास कंटिन्यूटी नहीं है तो भी एक तरीका है, सीरीज से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं आप सब इसको, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या होगा कि एक एक पॉइंट आप डायोड का निकाल दीजिए बिल्कुल, ठीक है। अगर नहीं निकालते हैं तो भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट डायोड पर लगाकर चेक कर लीजिए, चेक हो जाएगा। ये जो डायोड का माइनस प्लस है उस पर लगाइए, ठीक है। ये शॉर्ट दिखा रहा है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, वैसे तो ये सभी शॉर्ट दिखा रहा है हमें, लेकिन होगा नहीं सब शॉर्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एक पॉइंट सबका निकाल लेते हैं एक डायोड का, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ये शॉर्ट दिखाता है हमको, ठीक है। ये एक एक पॉइंट में सबका निकाल रहा हूँ। ठीक है, निकाल लिया, होल क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, होल क्लियर है, सर्किट को पलट लेते हैं पीछे साइड से, और बिना मल्टीमीटर के चेक करना चाहें तो उससे अब आराम से चेक कर सकते हैं। फिलहाल मल्टीमीटर है तो उसका यूज़ कर लेते हैं हम, हमको थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी रेंज पर है ये देखिए चमक रहा है यार ये, ओके। ये डायोड पे लगा के चेक करते हैं, पहला डायोड ठीक है, दूसरा ख़राब है, वैसे अधिकतर कर दो ही ख़राब होते हैं, ये वाला भी ख़राब है, उसके बाद ये वाला सही है, ये वाला सही है, रीडिंग आ रही है, पलट के चेक करते हैं नहीं आ रही है, इसका मतलब बीच में कि ये दो डायोड ख़राब है,
अब आप इसको कैसे चेक करेंगे बिना मल्टीमीटर को, मैं वो भी बताता हूँ आपको दोनों तरीके, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे इसको निकाल लेता हूँ। तो भाई साहब आप निकल जाइए बाहर, कि आप है ख़राब। तो यहाँ पर इसको मैंने निकाल लिया है, निकालने के बाद फिर से चेक कर लेते हैं इसको। बीप ओके, ख़राब, फिर से बीप ओके। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ, हालांकि इसमें मैं दो डायोड नया लगाऊंगा, तो जो सही है उसको मैं उसकी जगह पर लगा लेता हूँ। सर्किट को पलट लेते हैं, थोड़ा सा लगाने में आसानी हो जाएगी हमको। और अपना हम 53-99 दो डायोड निकाल के यहाँ पे लगाते हैं, और इसी समय मैं आपको चेक करा दूंगा कि सही डायोड कौन सा है, कैसे मालूम होगा। एक ये रहा, एक ये रहा, दो डायोड ओके। अब ये देखिए मीटर चेक करते हैं, तो बीप नहीं आनी चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए 500-400 की। ये 500 की आ रही रीडिंग, एक तरफ आ गई, एक तरफ नहीं आ गई, ठीक है, ये आ चुकी है। अब देखिए, अब हम लोग अगर बिना मल्टीमीटर चेक करेंगे तो कैसे मालूम होगा, तो उसके लिए मुझे कैमरे को थोड़ा सा नीचे लो एंगल पर लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको सीरीज वाला बल्ब देखना पड़ेगा तभी मालूम होगा। तो मैं ला देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये हम लोग अपना, ठीक है, लगा दिए हैं सीरीज बल्ब पे डायरेक्ट आपको देखने के लिए, और ये अपना डायोड है ओके। अब इस डायोड पर अपना ये सीरीज वाला वायर दोनों तरफ लगा देना है, पकड़ के नहीं, हटाकर। अब देखिए जो ख़राब वाला है वो कैसे जलेगा बल्ब, ये देखिए ये ख़राब वाला है, फुल शॉर्ट है। अब जो अपना सही वाला है अगर उसको हम लगाते हैं तो ये किस तरह से जलेगा, ये देख रहे हैं, लाइट स्लो है और प्लस ब्लिंकिंग टाइप है, इसमें लाइट स्लो रहेगी प्लस ब्लिंकिंग टाइप रहेगी, और इसमें काफ़ी तेज़ है 60 वाले में। तो इस तरह से मालूम हो जाता है बिना मल्टीमीटर के भी। और अब इसको लगा लेते हैं यहाँ पर, निशान का ध्यान देते हुए, पीछे से पीसीबी को साफ करना है, उसको कर लेते हैं। पूरा अपना डिसोल्ड वायर रंगा से भर चुका है, इसे थोड़ा सा जल्दी साफ नहीं होगा, ठीक है, हो चुका है साफ। और इसको यहाँ पर लगाते हैं, और फिर आगे का कार्यक्रम होगा जो होगा। ठीक है, एक लगा लिया, दूसरा भी लगा लेते हैं। एक पीएफ यहाँ पे टूट चुका है, इसको हम लगा देंगे, क्योंकि ये पीएफ टूटा नहीं, अच्छा निकला है, इसको हम लगा लेते हैं। इसको नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा दिक्कत करता है, कभी कभी लाइनिंग टाइप बनने का चांस इससे आ जाता है। तो यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, सोल्डिंग कर लिया है, और उसके बाद हम इसकी पिन को कट कर लेते हैं। तो भाई साहब कटर महोदय किधर हैं आप, ठीक है, ये हम इसको कट करते हैं, इसकी पिन को, पिन कट हो चुका है, और इसकी थोड़े से सफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पेस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगा रह गया है। ठीक है, और अब लगाते हैं इसको पावर में और देखते हैं अब क्या हाल है इसका, ऑन होती है या नहीं। ठीक है, टीवी ऑन हो चुकी है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद ये आपका ब्रिज वाला सेक्शन अगर सही है तो यहाँ पर ये सप्लाई आपकी बन जाएगी, देखिए बन चुकी है ना, हालांकि सीरीज में है इसलिए लाइट कम जल रहा है, और टीवी ऊपर से ऑन भी है। तो इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे अगर इस बल्ब को लगाते हैं डायरेक्ट फिल्टर पर, तो फिल्टर पर देखिए बल्ब तेज़ी से जलेगा, देख सकते हैं। बाकी सप्लाई ओके है, तो 110 की सप्लाई मेन आप 160 वोल्ट के कैपेसिटर पर चेक कर सकते हैं, ये देखिए ओके, अपना फॉल्ट ओके हो चुका है। यहीं तक सप्लाई सेक्शन का, जो कि आपको सही करना होता है। और आपको डिस्प्ले चलिए दिखा देते हैं एक बार, किस तरह से अपना डिस्प्ले आता है या नहीं आता है, जो भी है सो देख लीजिए एक बार। तो सभी जैक लगा लेते हैं, सबसे पहले आगे वाले, फिर पीछे वाले लोग लगाएंगे। ये साउंड के जैक हैं कुछ स्पीकर्स के, और इसके बाद ये अपना पीटीसी का वायर लगा लेते हैं, सोल्ड करना है इसको।
और इस टीवी में बार बार यही प्रॉब्लम आ रही है। मतलब मेरे हिसाब से इसके पहले भी अगर रिपेयर हुआ होगा तो यही प्रॉब्लम थी इसमें। तो इनके यहाँ जो है कि प्रॉब्लम होगा पावर सप्लाई का, क्योंकि ख़राब होने का रीज़न दोस्तों यही रहता है, अगर आप सही से स्टेबलाइजर वगैरह लगा कर वोल्टेज इसको रेगुलेट नहीं करेंगे तो ये दिक्कत कर जाता है हमेशा कुछ ना कुछ टीवी में। हालांकि अल्ट्रा स्लिम है भी, लेकिन लोडेड लग भी रहा है, तो इसको मैं लगाता हूँ डायरेक्ट। और डायरेक्ट लगाने के बाद टीवी में पावर के इंडिकेटर बहुत जली है, हल्की शायद जली है शायद हल्की, लेकिन डिस्प्ले देखते हैं आती है नहीं। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, आ चुका है डिस्प्ले अपना एवी लिखकर। हालांकि वीडियो का लीड तो मैंने बाहर लगा दिया है अपनी उस टीवी में जो भी मैंने बनाई थी कुछ देर पहले, ये देखिए 29 इंच वाले में, वहाँ पर वीडियो का लीड लगाया हुआ है। तो एक छोटा सा मैं लीड लेकर यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ अपना ऑडियो और वीडियो, ठीक है। तो कोई भी लीड है इसे लगा के चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये अपने पास कुछ लीड रही, इसको लगाते हैं। हालांकि सिर्फ वीडियो लगा के मैं चेक करूँगा, ठीक है। ये वीडियो मैंने यहाँ पर लगाया और वीडियो आ चुका होगा, नहीं आया क्या? वीडियो कहाँ गया भैया? नो, वीडियो नहीं आ रहा है। लाइट टीवी में है कि वो भी चली गई? शायद चली गई थी। फिर से एक बार देख लेते हैं, लीड एक और लगाएंगे हम। दोस्तों वीडियो आ चुका है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वीडियो का लीड उल्टा जोड़ा गया है। कहने का मतलब कि देख सकते हैं क्या दिक्कत है, यहाँ पर अक्सर कर वीडियो पीला होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, वीडियो ऊपर पीला नहीं है, वीडियो नीचे सफ़ेद है। तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अपना ये फॉल्ट ओके है, तो हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। अगर कोई आपका सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।